अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद नसरीन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह बिल्कुल ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और हम आज कीमा आलू बना रहे हैं, शुरू करते हैं। आधा किलो कीमा, दो आलू, दो टमाटर, दो तीन हरी मिर्च, दो प्याज, हाफ प्याली ऑयल, दो चम्मच लहसुन अदरक, और मसालों में है धनिया पिसा धनिया 1 टी स्पून, इसी लाल मिर्च 1 टी स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच, और ज़ीरा 1/2 टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, ये नमक 1 टी स्पून। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज थोड़ा लाइट हो जाएगी, लाइट ब्राउन, उसके बाद मसाले। देखें प्याज कलर थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, प्याज का सॉफ्ट हो गई। अब हम लहसुन अदरक डालेंगे इसमें, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए, फिर मसाले डालेंगे। इसमें सारे मसाले डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनेंगे। कीमा डालेंगे इसमें 1/2 केजी कीमा, थोड़ा सा इसको भून कर इसमें पानी डाल देंगे गलने तक के लिए। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे गलने तक के लिए। अभी पानी खुश हो जाएगा, फिर बाकी टमाटर डालेंगे इसको डाल। देखें ये कीमा भून गया अच्छी तरह भून गया हमने कीमा। अब इसमें टमाटर डालते हैं, टमाटर गल जाए तो इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, देखा कीमा अच्छी तरह भून गया, टमाटर गल गए। अब हरी मिर्चें डालेंगे, दो तीन हरी मिर्चें करके इसमें आलू भी डाल देंगे साथ ही। आलू डाल के थोड़ा सा भून के फिर पानी डालेंगे इसमें। ये आलू थोड़े से भून गए इसमें, अब इसमें पानी 1 गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा सा हल्का कर तेज करेंगे, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हल्का चूल्हा करके आलू गलने तक पकाएंगे। ये बन गया कीमा तैयार है। अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालते हैं, 1/2 टी स्पून गरम पिसा गरम मसाला। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। देखें ये तैयार है हमारा आलू कीमा, और देखिए
बनाइएगा आप भी और देखिएगा कैसे। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और